एंड आई थिंक इट्स टाइम to say कि हम लोग YouTube क्विट कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू क्विट YouTube. और ये अप्रैल फुल नहीं है. How is it? You wanna be a pilot? Alright guys, time for some very serious conversation. हम सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे आपको ये बताने के लिए कि ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है हम लोग को YouTube स्टार्ट करके. एंड आई थिंक इट्स टाइम टू से कि हम लोग YouTube क्विट कर रहे हैं. बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है वीडियोस बनाने में, एडिट करने में, एंड ऑफिस का काम इतना चल रहा है, बच्चों को संभालना पड़ रहा है. सो आई डोंट थिंक हो रहा है हमसे. हाँ, डिफिकल्ट हो रहा है ना. तो आई थिंक फाइनली वी मेड अ डिसीजन, वी आर गोइंग टू क्विट YouTube. I think that's about it. April Fool banaya, to unko gussa aaya. Happy April Fool's Day! नहीं नहीं, हम लोग सिर्फ मजाक कर रहे हैं गाइज. ऐसा कुछ भी नहीं है. हम लोग अपना YouTube डेफिनेटली कंटिन्यू कर रहे हैं. थोड़ी होने देंगे. हाँ, ये है कि हमारे वीडियोस डेली नहीं आते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, बट हम आएंगे तो जरूर. आपको परेशान करेंगे, आपका टाइम खाएंगे, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे. करेक्ट. बिकॉज आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट इतना ज्यादा अच्छा लगता है हम लोगों को कि देयर इज नो वे कि हम YouTube videos बनाना बंद कर देंगे. What's up guys, welcome back to the channel. मैं ये तो बोलना भूल ही गया. Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. I'm sure ये आपको रोज सुनने को अच्छा लगता है. हम लोग अभी रेडी है क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं लाइमब्रिज मॉल के लिए, और ये लड़की को हम लोग छोड़ देंगे कायरा के घर क्योंकि इसको शॉपिंग कुछ खास पसंद नहीं आती है. हमारा एक छोटा रीजन है वहाँ पर जाने का, लाइमब्रिज मॉल जाने का, जो मैं आपको वहाँ जाके बताएंगे. टूटू ने ये कल रात को बैठ के एक लिस्ट बनाई है प्रैंक्स की. वो बोल रही है हम लोग प्रैंक करेंगे मम्मा को. सो क्या प्लान है बताओ, क्या करना है पहले प्रैंक? मम्मा नहीं आ रहे, मम्मा नहीं आ रहे, मम्मा नीचे देखो, हमने दरवाजा बंद कर दिया और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. ऑलराइट, तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कौन सा प्रैंक करना है. इन 10 प्रैंक्स में से ही हमने एक चूज कर लिया है. So when papa किया है. show the list, you can maybe pause the video, see all the pranks and guess one. कितनी ज्यादा एक्साइटेड है ये. तो ये अभी हम लोग एक प्रैंक करने वाले हैं मम्मा के साथ. क्या प्रैंक कर रहे हैं आप देखते हैं. गिराएगी और बोलेगी कि मम्मा को कि फोन तोड़ गया है. ओके, इट्स अ प्रैंक. It's a prank. You got scared? Yeah. Dude, give me high five. Give me high five. Oh! मजा आया? मजा आया? तुमको prank में मजा आया? हाँ? वैसे आप लोगों को अगर याद हो कि हमने टूटू के दो शूज लिए थे, एक शूज जो था उसका लेस वाला था, एक बिना लेस वाला था. तो जिस दिन हम खरीद रहे थे ना, उस दिन वो बंदी जो थी काउंटर पे, उसने बोला कि अगर आप एक शू लोगे और आप रजिस्टर करोगे तो आपको दूसरे शू में नेक्स्ट परचेज में बेसिकली आपको $10 ऑफ मिलेगा. तो हमने कहा यार ये अच्छा ऑप्शन है, हमने दूसरा शू जल्दी लेना नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, एक शू पिकअप करते हैं और दूसरा शू जो है वो अगले दिन पिकअप करेंगे. सो हमने एक शू उस दिन पिकअप किया और आज हम फिर से आए थे दूसरा शू पिकअप करने के लिए. $40 वाला जूता था वो, ब्लू कलर का, अगर आपको याद हो, हमको $30 का मिलेगा. आज के दिन पे उनके पास और कुछ ऑफर चल रहा है, सो $10 ऑफ तो मिला ही मिला. देन वो हो गया डबल ऑफ, तो $10 का $20 ऑफ दिया उन्होंने कुछ. हाँ, 11+ टैक्स का पड़ा है इसका शू. करेक्ट. सो ये देखो हमारा बिल, ये अगर आप देखोगे बिल कितने का पड़ा, $11.57 टैक्सेस इंक्लूडेड. और ये देखो रिबॉक का जूता. सो ये इतनी जबरदस्त डील मिली हम लोगों को. उस दिन हम खरीदते थे अगर ये जूता तो हमको पड़ता था $40 का, जो हमको पड़ा $10 का. मैं तो इलेक्ट्रिक गाड़ी चला के आया तो मैंने तो $4 भी नहीं लगाए रहेंगे आने जाने के, और मेरे को सीधा सीधा $30-40 का फायदा हो गया. तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं और हम लोग घर से निकले थे जल्दी, तो लग गई भूख. आंचल को ना एक्चुअली बहुत दिनों से ना बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा था, तो हमने सोचा कि चलो यार आज अलग जगह की रिस्क लेके देखते हैं बिरयानी. वैसे बिरयानी जो हम लोग खाते हैं वो कहाँ की होती है, वो चार मीनार. चार मीनार की बिरयानी इज जस्ट टू गुड.
लेकिन अभी चार मीनार हम लोग को उल्टे डायरेक्शन में पड़ रहा था, तो अभी हम लोग रुके हुए हैं बटर चिकन रोटी करके एक जगह है, वहाँ से हमने बिरयानी ऑर्डर की है, देखेंगे कैसी आती है बिरयानी वहाँ से। और एक और अगर डाउनटाउन में भी एक रेस्टोरेंट है वो द होस्ट, वहाँ की बिरयानी भी कैसे है? करेक्ट, तो होस्ट का हमको इंट्रोड्यूस किया था केदार ने, जब हम केदार रहता था तो हमारा डाउनटाउन आना जाना रहता था काफी। डाउनटाउन इतना एक्सप्लोर कर लिया जितना हम दो साल रह के नहीं कर पाए। हेलो, शक्ल देख के बताओ कैसी है। बिरयानी बहुत रिस्की अफेयर होता है हमेशा, मुझे लगता है बिरयानी पुलाव ना करते हो। एग्जैक्टली, तो देखो मुझे तो पुलाव टाइप लग रही है, ऑनेस्टली बिरयानी तो नहीं लग रही है, पुलाव जैसी लग रही है। देखो चलो मैं खा के बताती हूं। खा के बताओ। चिकन, मतलब मुझे लगता है चिकन बिरयानी ऐसी चीज है ना जो मेरी फॉरएवर फेवरेट है। अगर कोई रेस्टोरेंट मुझे बाहर जाके मुझे कुछ खाने का ऑप्शन होता है, मैं हमेशा चिकन बिरयानी यूज करती हूँ, उनका मुझे हमेशा मन करता है। आजकल बिरयानी हर जगह बहुत होती है। ये और ने मीडियम, बट ये बिरयानी है, सच सच बताओ मात्रा नहीं कसम तुमको। मात्रा नहीं कसम खा के मैं चिकन नहीं खाती, मेरे को अच्छी लगती है। अच्छी लग रही है, चलो ठीक है। तो नॉट लाइक चार मीनार और द होस्ट, बट ठीक है। मुझे पर्सनली इतनी अच्छी नहीं दिख रही है ये, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, मैं खा के देखता हूँ। एक बाइट मैं भी खा के देखता हूँ। आई वुडंट रेकमेंड, स्किप इट। सो वो चिकन पुलाव मुझे तो नहीं लगा कि मैं खाऊंगा, क्योंकि मुझे इतना खास कुछ अच्छा लगा नहीं, तो मैंने अपने लिए ले लिया सबवे सैलेड। यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, नहीं हो रहा है। देखो मुझे पता था ना कि तुम नहीं खत्म करोगे। मैंने ना कम से कम 5-6 बार इसको बोला कि मैं नहीं लेके आता हूँ अपने लिए सैलेड, मैं ये खा लूंगा चलेगा, इतना कुछ खास टेस्टी नहीं है। आई गेट इट, बट मेरे को पता था कि तुम नहीं खत्म करोगे इतना। मैंने मजेदार चीज की है कि मैंने इसको डबल द मीट कर दिया है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि जो एक चिकन ग्रिल चिकन जो रहता है वो इतना छोटा सा पीस था, मैं सोचा वो एक पीस में क्या ही होगा, कितने ही ग्राम आएंगे। ओहो, ये देखो ये होता है खाना। इसमें मैंने वैसे डाला है, देखो डबल द मीट किया हुआ है। ये होता है अंग्रेजी खाना, ये होता है देसी खाना। हाँ, तो तुम देसी खाना खाओ भाई, हम अंग्रेजी खाना खाएंगे। तो मैंने इसमें कर दिया डबल मीट, एंड मैंने इसमें सैलड डाला है। एंड मैं सॉसेस की अगर बात करूँ तो सिर्फ दो ही सॉस है, जिसमें एक सॉस जो है वो है हनी मस्टर्ड, ये मैंने अच्छे से डाली है। लेकिन अगर आप मेयो देख रहे हो, मैंने मेयो का सिर्फ एक लाइन डाला है, बिकॉज अदरवाइज सॉसेस ही है, वरना सैलड खाने का मतलब क्या, अगर आप सॉसेस भर भर के डाल रहे हो तो उसमें फिर वो कैलोरीज बढ़ जाती है सॉसेस से, तो मैं इसलिए सॉसेस अवॉइड करता हूँ। सिर्फ एक ही सॉस डालता हूँ, हनी मस्टर्ड, जिसको ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती है। वैसे अगर सिर्फ मस्टर्ड हो तो उसमें तो जीरो कैलोरी होती है, इनके पास सिर्फ मस्टर्ड नहीं थी तो मैंने इसलिए हनी मस्टर्ड ले ली, एंड सिर्फ एक लाइन ऑफ मेयो, ताकि कैलोरी जो है वो थोड़ा हिल ना जाए और जो सैलड खाने का मतलब है वो हम कर सके, राइट? वरना क्या फायदा सैलड खाने का। और वैसे लेकिन मेरे को सैलड पसंद है। और ये देखो जहाँ प्रोटीन होता है वहाँ ये लड़का पीछे कैसे हटेगा। अरे ये क्या खा रहा है लेकिन, खट्टा होएगा। तुम्हारा बिरयानी खा रहा था क्या वो? नहीं ना, लेकिन दही खाया था। अच्छा वो दही खाया, लेकिन उसको जैसे चिकन दिखता है वो कैसे नहीं हाथ मारेगा उसमें। प्रोटीन पुत्र है हमारा ये। ओ भाई, इतना खाना खाने के बाद शॉपिंग तो कैसे ही होगी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इतनी ज्यादा ऐसा पेट भर गया है मेरा, सच्ची में पूरा सैलड खत्म किया। 1/2 अपने लिए, अपने एपेटाइट के लिए 1/2 ठीक है। तो हम जा रहे हैं अभी अर्बन प्लैनेट। खैर हमारा वेकेशन का कोई प्लान तो है नहीं, खैर अभी एक आने वाला है, अभी अगले हफ्ते हम लोग निकल रहे हैं कहीं पे, मैं आपको बताऊंगा थोड़े टाइम में जल्दी उसके बारे में। बट अभी जल्दी से देखते हैं इसको क्या पसंद आता है। हाँ ये अच्छा लग रहा है ड्रेस, बीच बीच के लिए अच्छा है ये। ये लड़का ना इसके अंदर बैठे बैठे इतना ज्यादा बोर हो गया था कि इसको निकाल दिया। वैसे आंचल जो है अभी भी ड्रेसेस ट्राई कर रही है, तो आई थिंक ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया है वो ट्राई कर ही रही है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं बाहर। एंड ये लड़का सॉलिड बोर हो गया है। वेल आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ भाई तेरा पेन, समझता हूँ मैं। सारे लड़के बोर होते हैं जब लड़कियाँ ड्रेसेस ट्राई करती है, सो मुझे पता है। ठीक है, वेट करते हैं अपन। तो मेरे को लगता है सबसे भारी मेरे को अप्रैल फुल मेरी बीवी ने बनाया है। हम लोग क्या लेने आए थे और क्या लेके निकले, जब हम घर से निकले थे हमें एक स्पेसिफिक चीज़ खरीदनी थी, एक स्पेसिफिक टाइप की ड्रेस खरीदनी थी, वो नहीं खरीदी। कम से कम 4-5 कपड़े ट्राई किए, उसके बाद हम सिर्फ ये एक ड्रेस लेके निकले हैं। कपड़े सारे हैं, प्लान क्या है नहीं पता, कुछ ना कुछ प्लान बनाएंगे। बट चलो ये तुम्हारी एक ड्रेस हो गई। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तीर्थ के लिए, डेकेयर, तीर्थ के लिए डेकेयर देखने जाने का। और ये अप्रैल फुल नहीं है, ये हम लोग सीरियसली बोल रहे हैं कि हम लोग अभी इसके लिए डेकेयर देखने जाने वाले हैं। आगे की बातें मैं आपको गाड़ी में बैठ के बताऊंगा, पहले फटाफट पानी पीते हैं एंड फिर गाड़ी में बैठते हैं और डेकेयर के लिए निकलते हैं। हाँ, क्योंकि हम ISTE के साथ नहीं चल सकते हैं, मतलब हाँ, इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम नहीं है हमारा, तो हमको टाइम पे पहुंचना पड़ेगा। तो देखो ये वाला जो पानी का डिस्पेंसर रहता है ना, मुझे कभी भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल पीने नहीं होता है
और हमारे पास बॉटल है नहीं भरने के लिए, लेकिन हमें क्या मिला टूट, हमें तीर्थ के बैग में से हमें मिला ये तीर्थ का बॉटल, तो अब हम ये भरेंगे। अब इसको नीचे रखो ना तो ये भर नहीं रहे, देखो क्योंकि इसका सेंसर यहाँ पे है, तो इसको यूँ ऊपर पकड़ के ये यहाँ से पानी आ रहा है, इसको भरेंगे और इससे पियेंगे पानी। तीर्थ थैंक यू भाई, मेरे दोस्त थैंक यू वेरी मच। आ इसको देखो वो चिल्ला रहा है, वो बोल रहे हैं कि मेरे बॉटल से क्यों पी रहे हो तुम, okay. गुस्सा हो रहा है कि उसकी बॉटल क्यों यूज़ कर रहे हैं। आपको दे रहा हूँ मैं, भर के दे रहा हूँ, ठीक है। सो प्लान ये है कि क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि मेरे ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एंड सेम थिंग आंचल के ऑफिस में भी काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि नहीं अभी इसको डे केयर डाल देना चाहिए, बिकॉज एंड प्लस सेकेंडली ये भी होगा ना कि डे केयर जाएगा तो काफ़ी कुछ सीखेगा वो। हाँ, क्योंकि मुझे आई थिंक हमें याद है टूटू के टाइम जब वो छोटी थी 18 महीने की थी, 18 मंथ्स में ही हमने उसको डे केयर डाल दिया था इंडिया में, और उससे वो काफी ना मिंगल होना सीख गई, बच्चों के साथ खेलना सीख गई, बात करना सीख गई, काफी बात करना सीख गई थी, तो एडवांटेज भी होते हैं, बच्चों की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, तो इट्स प्लस आल्सो। करेक्ट, एंड देन आल्सो अभी मेरे ऑफिस में बात चल रही है कि शायद हम लोगों को ऑफिस में एक दिन अभी बुला रहे हैं कि ऑफिस आना पड़ेगा, हम लोग को मतलब खाली होंगे, खाली मेरे को इसको नहीं, तो अगर मुझे ऑफिस जाना रहेगा किसी एक दिन, तो उस दिन पे फिर आंचल कैसे मैनेज करेगी तीर्थ को अकेले, बिकॉज दो जन से मैनेज हो जाता है, अकेले से मैनेज नहीं होता है, तो इसीलिए अभी हमने सोचा है कि और यू नो जाके देख ही आते हैं डे केयर एंड जाके चेकआउट कराते हैं, तो 2-3 डे केयर चेक करेंगे, फाइनली क्या डिसाइड करेंगे बाद में पता चलेगा। एक आज इंटरव्यू शेड्यूल किया मैंने, एक कल इंटरव्यू है और एक वेंसडे, तो 3 डे केयर चेक करने के लिए मैंने इंटरव्यू शेड्यूल किए हुए हैं। हम लोग पहुंच गए हैं डे केयर, और ये देखो ये लड़का यहाँ पर सो गया है, इसको उठा के यही कार सीट से उठा के अंदर ले जाएंगे, वहाँ साइड में रख देंगे और मैं और आंचल मिलके डे केयर देखेंगे। ऑलराइट, तो अभी जस्ट बाहर आए हम लोग डे केयर से, मेरे को तो काफी अच्छा लगा डे केयर, आंचल तुमको कैसा लगा डे केयर? ओके, तो लेट मी टेल यू पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, प्रोज एंड कॉन्स। ओके, तो प्रोज आर कि ये देसी है, मतलब इंडियन सॉरी पाकिस्तानी है, तो मोर लाइक इंडियन है, तो हमारा कल्चर मतलब मोर और लेस हमारा अपब्रिंगिंग सेम ही होता है ना, तो बच्चे को हैंडल करने का तरीका काफी हद तक सेम होता है, करेक्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों बात कर सकती हैं, तो एक वन गुड थिंग। दूसरा थिंग, खाना प्रोवाइड जो करेंगी वो एक कंसिडरेशन, मतलब मैं बोल सकती हूँ क्या खाता है ना, वो खाली इंग्लिश फूड नहीं खिला रहे हैं, तो वो दूसरा चीज थी। थर्ड थिंग, सूर्य फैमिली के थ्रू अगर हम जाएंगे, क्योंकि ये लाइसेंस है, तो उनके थ्रू हमें लाइक अराउंड $20 पर डे का कुछ चार्ज लगेगा, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। द कॉन इज कि ये हम थोड़ा दूर है, मतलब 15-20 मिनट का, अभी जैसे मैं मैप में देख रहा हूँ अपने एग्जैक्टली 11 किलोमीटर दूर है हमारे घर से, सो आई डोंट थिंक इट्स दैट बैड, 15-16 मिनट ड्राइव अगर होगा तो दिन में 4 बार मतलब 1 घंटे का ड्राइव होगा, पहले सुबह आना फिर मेरे का वापस घर आना। याद होगा अगर मैं यही बात हमारी 6 महीने पहले हुई थी, आई नो, एंड ही सेड द सेम थिंग कि 1 घंटा तो मैं ड्राइव ही करता रहूंगा पूरे दिन, आई नो, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नहीं, आई थिंक दिस इज रिक्वायर्ड, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। उनका जो मैंने अभी सेटअप देखा, और जब मैं इमेजिन कर रही हूं ना कि 3-4 बच्चे वहां, उनके पास तो इनके पास स्पॉट ऐसा होता है कि 6 बच्चे आप रख सकते हो मैक्स, करेक्ट, तो अभी 5 है और May 1st से इनके पास एक बच्चे का स्पॉट खुल रहा है, लाइक टोटल 6 है, तो एक बच्चा जाएगा तो ये रिप्लेसमेंट में जाएगा, तो 6 बच्चे होते हैं एंड वो स्पॉट है, उनका टॉडलर बेड्स हैं, उनका टॉयज हैं, उनका कारपेट है या रग है जो भी बोलो, एक प्ले एरिया बनाया हुआ है, फिर उनका आउटडोर प्ले एरिया भी है उनका, तो वो सब चीजें मुझे आई एम इमेजिनिंग कि वो अच्छा, ही विल लाइक इट, मतलब वो खेलेगा, मतलब थोड़ा होमली मतलब लग रहा था मुझे, तो आई वुड एग्री, क्योंकि वो थोड़ा होता है ना बच्चे आपस में रहते हैं ना, तो थोड़ा टाइम पास करेंगे साथ में, खेलेंगे रादर देन घर पे बैठ के टीवी देखना या यू नो हमारा काम ना हो पाना, तो वो काफी कुछ सीखते हैं, एंड मोर ओवर यस डेवलपमेंट, सेरेब्रल डेवलपमेंट बोल लो, एक्टिविटी या किसी से मिलना जुलना, मिंगल करना, वो चीजें बहुत चेंजेस आते हैं, बिकॉज हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है टूटू के साथ, एंड सो इवन ख्वाहिश का भी काफी, ख्वाहिश मतलब हमारे मेरे ब्रदर इन लॉ की बेटी है, उसका भी काफी डेवलपमेंट हो रहा है डे केयर में जाके, तो आई थिंक इट्स a must thing to do for parents to put your child in the day care. I totally agree. So अभी हमने जैसे बताया सब देख लिया है, हम लोग को अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा है, हम आज शाम तक उनको कंफर्म करना है कि हम ये स्पॉट लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि मुझे अभी कल भी एक अपॉइंटमेंट रखा है, तो कल वाले जो डे केयर जाएंगे वहां पर भी चेक करते हैं कि वहां पर क्या सीन है एंड वो वाला कैसा है, अगर वो वाला इससे अच्छा है बुरा है या जो भी है, एंड देन हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन से वाला डे केयर में उसको भेज रहे हैं। प्लस पॉइंट, आई डोंट नो, आई मीन नॉट प्लस पॉइंट बट
बात ये हो गई कि वो भी इंडियन, वो दूसरे वाला भी इंडियन है, इनफैक्ट पंजाबी है, जो कल वाला है जहाँ हमें कल जाना है. सो लेट्स सी, एक बार देख, आई थिंक देखना जाऊंगी मैं, एंड देन वी कैन से व्हिच इज बेटर. चलो ठीक है, चलो चले.